Hello students, today we study about the polygenic inheritance. Mendel's study mainly describe those traits that have distinct alternate forms, such as flower color, which are either purple or white. मेंडल का जो अध्ययन है वो मेनली उन ट्रेट्स को डिस्क्राइब करता है जो सिर्फ एक ट्रेट को शो करते हैं या जिनका एक्सप्रेशन केवल एक ट्रेट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का होता है. जैसे अगर फ्लावर का कलर पर्पल है या वाइट है तो इनमें से F1 जनरेशन में या उनके ऑप्स प्रोजेनी में एक ही ट्रेट अपीयर होता है. बट इफ यू लुक अराउंड यू You will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ नज़र डालें तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो इस तरह डिस्टिंक्ट नहीं है. उनके बीच के कैरेक्टर भी अपीयर होते हैं. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स. मनुष्य में जैसे ऐसा नहीं है कि केवल या तो टाल ही व्यक्ति है या फिर ड्वार्फ ही है, बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स. बल्कि इन दोनों के बीच बहुत सी पॉसिबल रेंज है. कुछ टाल के नज़दीक हैं, कुछ और छोटे हैं उससे, कुछ और छोटे, कुछ ड्वार्फ के ज़्यादा नज़दीक हैं. तो इस तरह से उन दोनों के बीच में काफ़ी पॉसिबिलिटी देखने में आती है. सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन्स. एंड दस आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स. और इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के ट्रेट्स जनरली 3 या 3 से अधिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं. और जो 2 से ज़्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं उन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of environment. जैसे human skin color is another classical example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele, the effect of each allele is additive,
टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट थ्री जीन्स जीन ए बी एंड सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन And if all the three dominant genes appear, then it would be responsible for very dark color in human. अगर तीनों dominant alleles genes किसी इंडिविजुअल में अपीयर होती हैं तो उसका रंग बिल्कुल ब्लैक होता है, और अगर तीनों पेयर रिसेसिव जीन्स के अपीयर होते हैं तो उसका रंग बिल्कुल लाइट कलर का होता है. द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलेल will have the darkest. Skin color and that all the recessive allele will have the lightest skin color. As expected the genotype the three dominant alleles and three recessive allele will have an intermediate skin color. In this manner the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. तो अगर हम मनुष्य में देखें कि जो तीन पेयर डोमिनेंट एलेल्स हैं, अगर ये सभी डोमिनेंट एलेल्स किसी इंडिविजुअल में अपीयर होती है तो उसका कलर बिल्कुल डार्क होता है, और अगर तीनों पेयर रिसेसिव के हों तो उसका कलर बिल्कुल लाइटेस्ट होता है, और अगर किसी इंडिविजुअल में हम ये देखें कि तीन डोमिनेंट तीन रिसेसिव तो इसका अर्थ है कि उसका कलर इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि मुलेटो. अर्थात इससे ये बात इंडिकेट होती है कि डोमिनेंट एलेल्स अपना प्रभाव कैसे डालती है और रिसेसिव एलेल्स अपना इफेक्ट कैसे डालती है. अर्थात जितनी डोमिनेंट एलेल्स बढ़ती जाती हैं उस इंडिविजुअल का कलर उतना ही डार्क होता जाता है, और जितनी रिसेसिव एलेल्स बढ़ती जाती हैं उस व्यक्ति का कलर उतना ही फाइन होता जाता है. नाउ लेट अस वी स्टडी प्लियोट्रोपी. प्लियोट्रोपी ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ठीक उल्टा है. यहाँ एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन करती है, इफेक्ट डालती है, जबकि पॉलीजेनिक ट्रेट में एक कैरेक्टर को
दो से अधिक पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते थे। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन ए सिंगल फिनोटाइप और ए ट्रेट। अभी तक हमने किसी जीन का एक सिंगल फिनोटाइप या ट्रेट के ऊपर इफेक्ट देखा है। देर आर हाउएवर इंस्टांसेस, हालांकि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं वेयर ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। अर्थात ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को इफेक्ट करती है। सच जीन और इस तरह की जीन वो प्लियोट्रोपिक जीन कहलाती है। द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज। और ज़्यादातर अगर हम प्लियोट्रोपिक जीन के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करें देखें तो ये उनके जीन के जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसके इफेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज का, विच अकर्स इन ह्यूमन, जो कि मनुष्य में होती है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज एक जीन में म्यूटेशन के कारण होती है जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए कोड करती है। और अगर इस जीन में कुछ चेंज आ जाता है तो वो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए कोड नहीं कर पाती और ये एंजाइम नहीं बनता। दिस मैनिफेस्ट्स इट्सेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। और इस एंजाइम के न होने से इस बीमारी में व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड होने लगते हैं, उनके हेयर रिड्यूस हो जाते हैं और स्किन में पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है।